त्वं हि न पिता वसुः त्वं माता शतक्रतो बभूविथः अधाते सुम्नमीमहे। श्रद्धे सन्यासी वृंद, आदरणीय महाशय जी, राज्यसभा में हमारे आर्य समाज के नेता आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश जी, भाई ब्रह्मचारी राज सिंह जी, विनय आर्य जी, आदरणीय मातृशक्ति, सम्मानित आर्य बंधुओं, यह आप और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने आप्त पुरुष महाशय जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महाशय जी 90 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन मैं इन्हें वयोवृद्ध कभी नहीं कहता, मैं इनको जान वृद्ध कहता हूँ, अनुभव वृद्ध कहता हूँ। आज भी जो कर्मण्यता है, कर्मठता है और जो चुस्ती महाशय जी में है, कदाचित नौजवानों में भी वैसी चुस्ती नहीं मिलती। और जब टीवी पर डांस कर रहे होते हैं तब तो नजारा ही दूसरा होता है। भगवान करें इनकी लंबी आयु हो, आर्य समाज को इसी तरह से दिशा निर्देश देते रहें और इनकी उपस्थिति हम सब के बीच में कल्याणकारी हो। केवल 100 वर्ष की प्रार्थना हम इनके लिए नहीं करते, बल्कि प्रार्थना करते हैं कि कम से कम 110 वर्ष तो जिए। और जिस तरह ये हैं, जिस तरह का स्वास्थ्य इनका है, उसको देखते हुए तो हम कह सकते हैं कम से कम 100 वर्ष तो पार करेंगे ही करेंगे। यह और अधिक प्रसन्नता की बात है कि महाशय जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बहुत सारे पूज्य और श्रद्धे सन्यासी यहाँ पर विराजमान हैं। जैसा भाई राज सिंह जी ने कहा था, हिंदुस्तान के दूरस्थ प्रदेशों से भी आर्य समाज के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। देवों की व्याख्या करते हुए हमारे बहुत सारे संस्कृतज्ञ विद्वान पंडित यहाँ पर बैठे हैं। देवता की व्याख्या की गई है, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो भवतीत्वा। तो एक मायने में तो वो देवता हैं। और आर्य समाज के लिए भरपूर योगदान उनका रहता है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, निरोग रहें और इसी तरह से आर्य समाज को आशीर्वाद देते हुए समाज को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।